हेलो लाइफ इंटरेस्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, साथ ही साथ आपको मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। माफ़ी इसलिए दोस्तों क्योंकि देवी के दर्शन कराने में थोड़ा सा समय लग गया, पर क्या करूँ, आप सभी को मैं एक ऐसा वीडियो का एक्सपीरियंस देना चाहता था कि आपको ऐसा लगे कि ये जर्नी आप खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक छोटा सा कोशिश था मेरा और जिन्होंने इस कोशिश में मुझे साथ दिया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू है दिल से। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखेगा, एक बूस्टर की तरह काम करता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों। ये जर्नी हमने शुरू किया था वास्तु रेसिडेंसी से और जो बागडोगरा का हाईवे रोड है उसे कवर करते हुए हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर काकरभिट्टा में पहुँचे। वहाँ पे हमने भंसार काटा दोस्तों, वहाँ पे पैसा देना पड़ता है एंट्री करने के लिए दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही चुका होगा अभी तक वीडियो देखे तो। साथ ही साथ जो ब्यूटीफुल रोड्स है नेपाल के, जैसे कि हम बुढ़ावारी को क्रॉस किए गाइस और उसके बाद हम पहुँच गए कन्यम में, और जो कन्यम का व्यूज़ था उसे देखकर थोड़ी देर के लिए तो हम वहाँ पे रुक ही गए गाइस, वहाँ पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए। उसके बाद हम लोग ने फिडिम, फिक्कल, ये सब इलाम बगरा क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए थे गाइस ताप्लेजुंग, जहाँ पे हमने अपना व्हीकल का जर्नी वहाँ पे स्टॉप किया। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा हमें एक दूसरा व्हीकल लेकर जाना था क्योंकि बहुत सारा ऑफ रोडिंग के थ्रू से होते हुए हम चले गए, और उसके बाद हमारा मेन ट्रैक जर्नी स्टार्ट हुआ जो छोटा फेरी है। छोटा फेरी से हम चलते हुए गाइस एक खूबसूरत नेचर के थ्रू, जहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट नहीं है और सिर्फ लोगों के दिल में माँ की भक्ति है, उसे लेते हुए हम पहुँच गए बड़ा फेरी में, जहाँ पे हमने वन नाइट हॉल किया गाइस। वहाँ पे हॉल करने के बाद नेक्स्ट डे हम सवेरे और 6 AM to 7 AM के आसपास के अंदर में हम निकल गए थे दोस्तों। हम चल गए माँ पाथीवाड़ा के दर्शन करने के लिए, और जो रस्ते का व्यूज़ देखे एक बहुत ही मनमोहित व्यूज था, ऐसे एक फॉगी डे था गाइस वहाँ पे, पर धीरे धीरे हम वहाँ देवी के दर्शन करने के लिए पहुँच गए दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस किस तरीके से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो टेंपल है पाथीवाड़ा का, माँ का टेंपल जो है वहाँ पे किस तरीके से दिखता है दोस्तों वहाँ पे, और क्या क्या है वहाँ का सिस्टम, बहुत कुछ हमें जानने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को एक आइडिया भी दूंगा मैं किस तरीके से जो हमारा जर्नी था, कितना किलोमीटर्स हमने व्हीकल में ट्रैवल किया, कितना हमारा जो एवरेज निकल के आया वो सब आप लोग को बताऊंगा। क्या करना है यहाँ पे आने से पहले प्रिपरेशन वो भी आप लोग को मैं बताऊंगा, जो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और हमारे साथ में हुआ एक कांड, इसके लिए आप लोग को बने रहना है एंड तक वीडियो के लिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में आज के दिन में दोस्तों। मज़ा आएगा आप लोग को, माँ का दर्शन करने को मिलेगा, आशा करूँगा आप लोग को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक्स और कॉमेंट्स जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चले आज का वीडियो जो माँ पाथीवाड़ा टेम्पल का है व्यूज़ उसे देखते हैं। एक लाइन देखे गए आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए पूरा का पूरा, आई थिंक टेम्पल यहाँ पे है, आगे का जो टेम्पल का एरिया वो भी है। हम लोग अभी अभी घुसे लाइन के अंदर में, आप लोग को तो टाइमिंग बता दिया कितना टाइम लगा हम लोग को यहाँ पे आने के लिए, अब यहाँ से कितना टाइम लगता है अंदर मंदिर का दर्शन करके निकलने में, बस इतना ही है कि अच्छी तरह से दर्शन हो जाए। हड़बड़ी में दो दो सेकेंड्स में निकलने का वो ना रहे सिस्टम, बस थोड़ी देर देखने को मिल जाए, दर्शन करने का मौका मिले, एक फोटोग्राफ लेने का मौका मिले, बस उतना ही गाइस। लाइन में बैठे बैठे यहाँ पे बहुत बड़ा त्रिशूल देखने को मिला, यहाँ लाइन देखिए दोस्तों अभी भी चल रहा है, और ये त्रिशूल यहाँ देखिए, अरे बाप रे कितना बड़ा बड़ा त्रिशूल है ये सब। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बकरियाँ हैं, ये सब बलि के लिए रखे हैं यहाँ पे बकरियाँ। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनको बलि ना दिया जाता होता तो अच्छा रहता, पर बलि तो देते ही हैं यहाँ पे, ये एक प्रथा है। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बकरी लाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और उसके बाद उसे आज़ाद कर देते हैं, तो एक वो तरीका से भी पुण्य कमाया जा सकता है। बलि ही देना ज़रूरी है ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर फिर भी सबका अपना अपना मान्यता है, और किसी की भी मान्यता के ऊपर में कुछ इतना कहना अच्छा बात तो नहीं है। पर कल एक इंसान आए थे, वो ऐसा कर रहे थे कि बकरी लेकर आए हैं और वो यहाँ पर दिखाएंगे देवी को और उसके बाद उसे छोड़ देंगे। No.
यहाँ पे अभी हमें वापसी में आके प्रसाद लेकर जाना है। पर कहते हैं कि पैसा मत उठाने के लिए यहाँ पर आपको प्रसाद मिलेगा, चूड़ियाँ मिलती है, त्रिशूल मिलेंगे, वो सब अब अपने किस्मत में क्या है। यहाँ पे देवी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। वहाँ आगे में दस माता का जो मेन है वहाँ पे अभी पास से दिखाऊंगा आप लोगों को वहाँ पर ले जाकर। यहाँ पे थोड़ा सा ऑलमोस्ट तक हम पहुँच ही चुके हैं। चलाएको पैसा फेरि चलाउन मिल्छ अन्त चेन्ज गरेर अभी आपने देखा कि मेरा कैमरा जमीन की तरफ फेस कर रहा है, असलियत में माँ के चरणों में इसे में टच कर रहा था, उनका आशीर्वाद ले रहा था। आप लोगों को तो पता ही है ये गिव अवे के लिए, और जो जो इन तीनों लास्ट प्रीवियस दो और इस वीडियो में कमेंट्स करेंगे उनके लिए मैंने ये सोचा कि गिव अवे करूँगा, माँ का आशीर्वाद है, आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व 29 हो गया और दर्शन करके अभी यहाँ से निकले, तो आप लोग सोच सकते हैं 11:05 को मैं दर्शन के लिए घुसा था, यहाँ लाइन में लगे थे और कितना टाइम लगा दर्शन में। और व्यूज़ तो हमने देख लिया, और आशा करता आपको जो माँ का दर्शन करवा पाया हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। अब चलिए यहाँ से तो निकलने वाले हम लोग।
थोड़ी देर में अब नीचे की तरफ जाएंगे वापस रास्ते में, तो कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अगर कुछ देखने को मिलेगा तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, नहीं तो वापस हम जो फर्स्ट डे में होटल गए थे वहाँ पहुँचता और उसके बाद फिर से आपसे मिलूंगा। जगह का नाम ही भूल गया गाइस फिर से। मैंने बहुत कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके इन्फॉर्मेशन इस सीरीज में दे सकूँ, पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते होंगे जो छूट गए होंगे, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछेगा और जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को उस क्वेश्चंस का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। पर चंद सवाल है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने उन्हें सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कितना किलोमीटर्स हमने कवर किया। तो जब हमने जर्नी को शुरू किया तो हमारा किलोमीटर्स था अराउंड 24,698 किलोमीटर्स के आसपास में, और फिर पूरा जर्नी करते हुए हम पहुँचे ताप्लेजुंग में, और आप यहाँ ताप्लेजुंग में देख सकते हैं कि हमारा किलोमीटर्स है 24,971। तो अराउंड 273 किलोमीटर्स के आसपास में हमने जर्नी को ट्रैवल किया था, और फिर हमने ताप्लेजुंग में पेट्रोल को फुल किया तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे अराउंड 26.88 लीटर्स का जो पेट्रोल हमने डाला, और एवरेज लगा लेते दोस्तों 27, तो आसपास में जो कितना एवरेज का किलोमीटर्स आता है वह आप देख सकते हैं। तो 273 किलोमीटर्स और 27 लीटर्स पेट्रोल का हमने फिर रिफिल किया था, तो जर्नी का एवरेज तो आप लोग को पता चल गया दोस्तों। चले अब दूसरा टॉपिक है वहाँ पे क्या क्या चीज़ का हमें प्रिकॉशन लेना है वो चले मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हमारे साथ में अंकल और आंटी गए थे, वो लोग चले, और साथ ही साथ वहाँ जब हम जो छोटा फेरी है वहाँ से जब हम ट्रैक करना शुरू किया तो थोड़ा सा ही ऊपर जाने के बाद आंटी का तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने ऐसे पर्सन लिफ्ट किया, वो बड़ा फेरी में गए, और फिर वहाँ बड़ा फेरी में जाने के बाद उनका तबीयत और ख़राब हुआ। रात को हमें अराउंड 1 बजे के आसपास में डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और सवेरे के 3 बजे 3:30 बजे के आसपास में जाके सोया था। इसी वजह से हमारा जो नेक्स्ट डे बड़ा फेरी से जो मापाथीवाड़ा टेम्पल जाने का जर्नी का जो जर्नी स्टार्ट करना था वो टाइम लेट हुआ। हम लोग तो सोच रहे थे 2 बजे के आसपास में चलेंगे, बहुत बार आप लोग को बोला था पर लेट हुआ, पर अच्छा ही हुआ गाइस। रात के अंधेरे में टटोलते हुए जाते थे तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मैंने किसी और का भी वीडियो देखा था तो वहाँ पे देखने को मिलता कि बहुत सारे फ्लैश लाइट्स लगे, और वो रात में ऐसा लग रहा था कि उजाला ही है, पर ऐसा ना हो कि आप लोग कोई मुसीबत में पड़ जाओ। रात के टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, दिन में ऐसे रास्ता दिख रहा था दोस्तों, हमें पता चला था कितना चल रहे थे। तो जब आंटी लोग को नेक्स्ट डे जाना था वो लोग वापस चले गए गाइस, उन्होंने जर्नी कंप्लीट नहीं कर सके। तो मेन चीज़ हमें क्या प्रॉब्लम किया, हम लोग ने क्या चीज़ का प्रिपरेशन नहीं था कि हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास में पहले ही जाकर, अगर आप लोगों को पता हो कि आपके ब्रेथ में प्रॉब्लम है, आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी तो कुछ मेडिकेशंस रहता था वो आप लोग पहले ही ले लीजिए। हम लोग ने ऐसे जो लोकल मेडिकेशंस है वो सब तो लिए थे, जैसे कि जो मेज रहता है मक्के कहते हैं जिसे हम, वो लेना चाहिए था, वो लिए थे हम लोग ने। साथ साथ अदुआ लिया था, जो अदरक रहता है गैस उसे लिया था। तो ये सब चीज़ तो हमने कैरी किया था, पर फिर भी डॉक्टर का लास्ट में हमें 1 बजे के आसपास में जरूरत हुआ है। उनका मेडिसिन लेने के बाद आंटी का तबीयत थोड़ा सा अच्छा रहा, उसके बाद वो सो गए, और फिर सवेरे उन्होंने नहीं और आगे कंटिन्यू नहीं करने का ही डिसीजन लिया। वो लोग वहाँ तक पहुँचने के बाद भी वापस जाना पड़े। आप लोग पहले से ही प्लीज़ प्रिकॉशन जो करना है वो लेकर जरूर चलिएगा दोस्तों। तो सेकेंड चीज़ आप लोग को पता चलेगा क्या क्या करना चाहिए वहाँ पे। ऐसे फायर का कुछ आप लोग के पास में रहे तो वो भी लेना चाहिए, आग जलाने का कोई साधन वगैरह, कोई ऐसा मुसीबत में आ जाए वो सब के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर पहले से रहे, क्योंकि एक अच्छा सा ट्रैकिंग रहता है जंगल के बीच में। अब चलिए दोस्तों आप लोगों को जो हमारे बीच में घटना घटी, क्या हुआ हमारे साथ में इंसिडेंट, वो चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो आप लोग जो पूरा जर्नी देख चुके, पाथीवाड़ा देवी के टेम्पल में वहाँ पे पहुँचे थे, दिन का हालत किस तरीके से था आप लोग ने तो देखा, पूरा फॉगी फॉग था। तो वापसी में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बारिश शुरू हो गया था दोस्तों। पहले तो ड्रिजल हुआ थोड़ी देर के बाद, अब जब हम बड़ा फेरी में पहुँचे तो वहाँ पे दोस्तों वहाँ तक तो चले सब कुछ ठीक ठाक, थोड़ा सा क्लाउडेड वेदर ही था। उसके बाद बारिश धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ड्रिजल होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम नीचे जब वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे उसे गुरासे कहते, जगह का नाम ही गुरासे था, तो वहाँ पे एक दुकान में पहुँचने के थोड़ा सा पहले ही बारिश पूरा जोर से शुरू हो गया दोस्तों। और ऐसा बारिश हुआ कि मतलब पहले तो ऐसा रह रहा था कि 2-3 दिन जब हम यहाँ नेपाल में थे तो ऐसा हो रहा था कि आपका जोर से बारिश हो रहा था 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद ख़त्म हो जा रहा, पर वो चले जा रहा था। तो दुकान में तो हम रुक गए थे वहाँ पर, फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपना रेनकोट लगा लेंगे। तो रेनकोट लगाए दोस्तों और वहाँ पे बैठे थोड़े से टाइम तक, हम लोग ने मोमोज भी खाए वहाँ पर। और फिर उसके बाद जब वहाँ से हम चले और नीचे गए वहाँ पे बड़ा फेरी में पहुँचे तो अराउंड 6:30 के आसपास में तो हो चुका था गाइस। और फिर हम गाड़ी में बैठे, पूरा रास्ता फॉग ही फॉग था, पूरा पानी ही पानी था। वो रास्ता तो आपने देखा था ऑफ रोड किस तरीके से था, अब उसके ऊपर में बारिश इतने ज़ोर से हो रहा था कैसा रास्ता बन गया होगा आप लोग इमेजिन करिएगा गाइस।
पर जब हम होटल में पहुंचे तो अराउंड 8:10:15 एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे पता नहीं, पर 8 को क्रॉस करके 9 के अंडर में था गाइस, इतना मैं बता सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने थोड़ी देर बात करने के बाद देखा, अब मैं बैग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि हमारा चाबी ही नहीं है, मतलब मेरे पास जो चाबी रहता है गाइस वो चाबी ही नहीं है। इमेजिन करिए ना, बैग का चाबी है ना, व्हीकल का चाबी है, व्हीकल का चाबी मतलब चाबी नहीं है गाइस। अब क्या करें, सबसे बड़ा टेंशन वही हो गया कि अब क्या करें गाइस। तो हमने मिस्टेक किया कि चाबी कहीं पे खो गया। अब हमारा मेन 3 अजम्पशन था कि एक तो मैंने बैग के अंदर में डाल दिया, जहाँ पे हमने रुक के मोमोज खाए थे गाइस वहाँ पे हमने बैग को ओपन किया था, मैंने बैग को ओपन किया था और वहाँ तक तो मेरा चाबी था, वहाँ से हमने रेनकोट निकाले। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या मैंने बैग के अंदर में डाल दिया, क्योंकि चाइनीज़ लॉक है, जस्ट प्रेस कर दिया, तो एक वो पॉसिबिलिटी था। एक सेकेंड पॉसिबिलिटी लगा कि हमने गाड़ी में जो व्हीकल को हमने बोर किया था तो निकलने के समय थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्टी हुआ था, लास्ट सीट में बैठा था तो मैं, तो क्या गाड़ी में ही मैंने गिरा दिया, अब वो एक पॉसिबिलिटी था। और थर्ड पॉसिबिलिटी रास्ते में खो गया है, कहीं पे गिर गया, अब दिमाग ख़राब गया, इस गाड़ी का चाबी नहीं है, अब क्या कर जाए। अब हमें आना है नेक्स्ट डे वापस गैंगटॉक में, भंसार भी हम लोग ने 4 दिन का शिफ्ट लिया था तो एक्स्ट्रा भंसार का फिर प्रॉब्लम हो जाता है, तो मतलब अब क्या किया जाए। अब सवेरे मैं पूरा, मैंने रात को तो कोशिश किया जैसे तैसे करके उसके पिन के अंदर घुसा के, तो ताला खुल गया गैस मेरे बैग का, और पूरा बैग को 3-4 बार छान मारा तो बैग के अंदर में चाबी ही नहीं है गैस दोस्तों। मतलब ऐसा किसी के साथ भी ना हो बोलते हैं, पर ऐसा होता है। तो हमने उसके बाद क्या हुआ आप लोग चले बैठे बता रहा हूँ मैं गैस आप लोगों को। तो अब उसके बाद अब सवेरे मॉर्निंग 4 AM को मैं उठ गया, मॉर्निंग 4 AM को उठ गया। अब मुझे और कुछ दिमाग में सजेशन तो नहीं आया, मम्मी को वो जो व्हीकल में हम बैठे उसका भी आइडिया नहीं, पर जो ऊपर में दुकान था जहाँ बड़ा फेरी में हम लोग ने वहाँ पे जहाँ से व्हीकल लिया था उनको तो पता होगा, अब बड़ा फेरी तो पहुँचना ज़रूरी होगा। तो मॉर्निंग 4 AM को मैं निकल गया गैस वहाँ से, जो होटल था तापलेजुंग में। अब वहाँ से अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ में और चलते जा रहे हैं, तो जब वहाँ पहुँचा तो उस दुकान के जहाँ से हमने जो लिया था व्हीकल को उनके यहाँ पे जाके मैंने उससे पूछा कि उन टैक्सी जो व्हीकल ड्राइव कर रहे थे उनका नंबर दीजिएगा, सो दैट कि हम लोग पूछ सके कि चाबी कहाँ पे उनके गाड़ी के अंदर में है कि नहीं। तो उनको मैंने पूछा, तो रात के समय में ही वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बच्चे का जूता खो गया। तो जब उन्होंने हमें क्रॉस किया उसके बाद नीचे डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद वो जो गाड़ी को अबॉर्ट किए थे उनको नीचे उतारा और पूरा गाड़ी छान मारा था जूता ढूंढने के लिए बच्चे का, और उन्होंने बोला कि चाबी नहीं है। अब क्या करें, रास्ते से अब मैं चलना शुरू किया गया और गुरा से तक मुझे पहुँचना था। अब मैं चलते जा रहा, हर इंसान को मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कहीं पे गाड़ी का चाबी मिला, कहीं पे मिला। और रात को इतना बारिश हो रहा था कि वो बेकर कहीं भी चला जा सकता है रास्ते में गिरा हो, तो फिर भी मैं पूछे जा रहा। और जब ऊपर पहुँचा जिस दुकान में हम बैठ के मोमो खाए, तो मैं अंदर घुसा और पूछा कि क्या आप लोगों को चाबी मिला। अरे भाई साहब, उन्होंने बोला कि हाँ संभाल के रखा हुआ, एक गाड़ी का चाबी मिला। मतलब दिल में इतना राहत हुआ गैस, मैं चाय भी नहीं पिया था, कुछ भी नहीं था, मतलब मन ऐसा होश रखा था कि कुछ करने के इच्छा नहीं, अब वापस आना था और एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं था हमारे पास में। थैंक गॉड कि वहाँ पे चाबी मिल गया गैस, थैंक गॉड, वो उन्होंने अच्छी तरीके से रख दिया था। और भाई साहब उसके बाद ऐसा लगा कि सांस में सांस आई गैस, तो चाबी लिया, वहाँ पे चाय पीने के बाद मैं वापस निकल गया। और वो दिन इतना क्लियर था, आप लोग ने जो सन जो माउंटेन का रेंजेस का व्यूज़ देखे सनराइज़ का, वो आप जो देख रहे अभी यहाँ पे, उसी टाइम जब मैं वापसी आ रहा था तो उस टाइम में मैंने लिया था इसको वीडियोस को गैस। तो मतलब इतना दिमाग ख़राब आया, तो इसका एक सलूशन हम लोग ने सोचा कि हमारा जो स्पेयर की है वो हमेशा ही गाड़ी में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब मैं ऊपर गया तो मम्मी लोग नीचे दुकानों में पूछने गए गैरेज में क्या किया जाए कैसे किया जाए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप विंडो को पुल करेंगे सक्शन के थ्रू से, और उसके बाद महिंद्रा कंपनी जो है उनके पास में कुछ सोल्यूशन हो सकता है इसे स्टार्ट करने का। पर अगर आपके पास स्पेयर की गाड़ी के अंदर में ही हो तो आप विंडो को पुल करवाएंगे तो स्पेयर की तो मिल ही जाएगा, और आपको बाईपास सर्किट को जो करना पड़ता है शॉर्ट करके वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे तो स्पेयर की गाड़ी के अंदर में ही रखिए, सो दैट कि ऐसा कोई सिचुएशन ना है चाबी गुम होने का। आशा करता हूँ आप लोगों को देवी का जो दर्शन है देखने को बजाया होगा गैस। कुछ भूल गया हूँ आप लोग को कुछ जानने की इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर पूछेगा, प्यार देते रहेगा लाइक और शेयर के रूप में दोस्तों, और हमारा साथ देते रहेगा सब्सक्राइब जो करके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो को, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे फैमिली मेंबर्स और मुझे मिलते रहे, और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार।